गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? आज के ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और आज बहुत ज़्यादा ठंड है, मौसम बहुत ज़्यादा ठंड है। रात को हमारे यहाँ बारिश भी हुई थी, हम देख सकते हैं। अभी हम दूध बॉयल कर रहे हैं क्योंकि नाइट में दूध नहीं लिए थे, तो अभी दूध बॉयल करेंगे। और अभी इन साहब को देंगे रोटी दूध, रात का रोटी और रात का ही दूध खिलाते हैं अभी इस टाइम में, थोड़ा सा दो पीस। लेकिन आज रात को नहीं मंगाए थे जिसके कारण अभी मंगाए हैं, तो ठंडा उसको कर देंगे। उतना तो बेनिफिट नहीं करेगा, फिर भी उनका रूटीन है, डेली रूटीन है, तो नहीं खाते हैं तो उनका तो थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं होता है फील, इसलिए सोचें कि अभी बना के खिला देते हैं। तो देख सकते हैं हमारे यहाँ का मौसम, अभी बैट बॉल खेल रहा है छोटू। यहाँ का मौसम देखिए, अभी भी कुहा लगा हुआ है। हॉकी स्टिक का भी खेल रहा है, बैट बॉल। अभी छोटू का बैट बॉल चल रहा है। अभी सुबह सुबह खेल रहा है। देख सकते हैं अभी धूप नहीं आया है, अभी लगभग 9 बज गए हैं। धूप आएगा भी नहीं, आएगा भी तो लेट से धूप आएगा, अभी धूप नहीं आएगा। और आज कुछ खास भी है, अभी मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग से शेयर करूंगी। देखते हैं खास में कुछ होता है या नहीं धमाल, या फिर ऐसे ही नॉर्मल चले जाता है। अभी किसी को याद नहीं है तो देखते हैं। ऐसे मोबाइल पे बहुत लोगों का आया है मैसेज व्हाट्सएप पे, लेकिन अभी हमारे पति देव को भी नहीं याद है कि आज क्या है, तो देखते हैं उनको कब तक याद आता है और क्या करते हैं। तो बने रहिए आप लोग हमारे ब्लॉग पे देखने के लिए कि आज क्या क्या होने वाला है। और अभी तो मैं फिलहाल नाश्ता बनाऊंगी क्योंकि ड्यूटी भी जाना है। जल्दी 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 रही, अभी मैं जाती हूँ नाश्ता बनाने के लिए। फ्रिज में से कुछ सब्जी निकालूंगी, हमने कल फ्रिज साफ किया है, बहुत ज़्यादा डर्टी हो गया था, तो देख सकते हैं अभी पूरा क्लीन है, इसमें सामान रख दिए हैं। सब्जी में देखते हैं क्या बनाऊं। सब्जी सेम बनाते हैं, सेम आलू का सब्जी, अभी नया नया सेम निकलता है तो अच्छा लगता है अभी सेम वाला सब्जी। Thank you.
ये है दूध। ऐसे दूध तो बासी रहती है, लेकिन आज दूध नहीं लिए थे नाइट को, इसलिए है। और ये है बासी रोटी, तो ज़्यादा नहीं, दो पीस रोटी। ठीक है, आइए। ये हमने रोटी को तोड़ लिया है, देख सकते हैं। बाबू भी खाएगा, लेकिन इनको तो एक तरह से दवाई है। और इसमें मैं दूध डाल दूंगी। और ये है भुर्रा, और उसको थोड़ा देर भूनने देंगे ताकि रोटी मुलायम हो जाए। ये हो गया हमारा। पेपर बाबू को खिला रही हूँ, डैडी इसके फ्रेश हो रहे हैं। रुक जाइए, उसके खाने के मैं फ़ायदे बताऊंगी कि वो ऐसे तो आप खा सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आपका बीपी हाई है, बीपी लो है, डायबिटीज़ है, या आप किसी भी तरह का स्ट्रेस वाला है, बहुत ज़्यादा अभी तो स्ट्रेस वाला चलता है बीमारी, कि हमको स्ट्रेस है, थकावट है, तो वो सब खाने से, ये जो आप अगर डेली एक महीने तक कंटिन्यू कीजिएगा तो उससे बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। मेरी मम्मी भी खाती है, मेरी मम्मी खा के देखिए लगभग 2-3 महीने से खा रही है कंटिन्यू, तो उनको बहुत अच्छा है। उनका भी बीपी लो है और डायबिटीज़ की भी शिकायत है, तो वो सब खाती है तो उनका अच्छा रहता है। तो फिर साहब का भी हो गया है, थोड़ा सा बीपी हाई हो गया है, तो हम सोचे कि वही देख देखते हैं, तो उनको अच्छा लगता है। और कंस्टिपेशन का भी जो शिकायत होता है, पेट से संबंधित जो भी कंस्टिपेशन हुआ, चाहे गैस का प्रॉब्लम है, बहुत आदमी लेट से खाते हैं, तो सुबह सुबह रात का रोटी और बासी दूध, ठंडा, गर्म नहीं। लेकिन आज आप लोग देखोगे गर्म हम किए हैं, तो आज रात में दूध नहीं था, इसके वजह से अभी मंगाए हैं, तो अभी ठंडा हो जाएगा तभी वो खाएंगे। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, फ़ायदा पहुँचेगा ही पहुँचेगा, नुकसान का तो इसमें कोई सवाल ही नहीं कि नुकसान करेगा। और डेली डाइट में आप लोग इसको भी डालिएगा, जैसे मूंग चना खाता है आदमी, मूंग चना खा लिया, उसके बाद ये भी थोड़ा सा 2 रोटी खा लिया, तो फिर ब्रेकफास्ट का उतना आवश्यकता नहीं पड़ता है। फिर आप चाहे तो खा सकते, नहीं भी खा सकते, फिर लंच में लंच कीजिए। तो आप इसको ट्राई कीजिए और देखिए, फ़ायदा ज़रूर ज़रूर से ज़रूर होगा। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में, थैंक यू सो मच। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।